हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगजोन पर। आज हम लोग अपना डेली इकोनॉमिक्स का ये 8 फरवरी के लिए लेसन शुरू करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग कवर करने वाले हैं 20 बहुत अच्छे एमसीक्यूज जो कि आपके आरआरबी जेई 2019 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, गेट एग्जामिनेशन अब ख़त्म हो चुका है, तो मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि आप अब अपना पूरा अटेंशन आरआरबी जेई और एसएससी जेई की तरफ लगा दें। हम लोग अपने एसएससी जेई की क्लासेस भी आरआरबी जेई के पैरेलल में ही चलाएंगे। पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी आरआरबी जेई का सिलेबस कंप्लीट करना और एसएससी जेई के भी पोर्शंस उसमें बीच बीच में कंप्लीट होते जाएंगे। बाकी का जो सिलेबस बचेगा वो हम लोग बाद में कैरी ऑन करते रहेंगे। और टेक्निकल हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं 10 फरवरी से। सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं और प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग थर्मल और फ्लूइड्स पे तब जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को मेनली जो सॉल्व करेंगे आर एस खुरमी से करेंगे और आर के जैन को भी हम लोग काफ़ी हद तक सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विद। तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो किसके साथ रेस्ट करती है? ऑप्शन देखिए, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जवाहर रोजगार योजना जो है वो हमारा मेनली किसके साथ रिलेटेड है? ग्राम पंचायत के साथ। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट देखिए, द आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट्स अंडर द, पहला है फिक्स्ड फ्यूडिशरी सिस्टम, दूसरा है मैक्सिमम फ्यूडिशरी सिस्टम, तीसरा है फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम या चौथा है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आंसर बताइए ए बी सी या डी में से। आरबीआई इश्यूज द करेंसी नोट्स, किसके अंडर में नोट्स हमारे करेंसी को वो इशू करते हैं? तो यहाँ से सही ऑप्शन है, दैट इज फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ऑलराइट, यहाँ पर सही आंसर है फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला देखिए, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रन्स फ्रॉम। अकाउंटिंग ईयर जो है आरबीआई का वो कौन से महीने से कौन से महीने तक जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शंस देखें, अप्रैल टू मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर या अगस्त से जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो ऑप्शन ए गलत होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, सी ऑप्शन गलत होगा। सही ऑप्शन है हमारा बी, दैट इज जुलाई से जून। ठीक है, सही ऑप्शन है बी, दैट इज जुलाई से जून। अगला देखिए, द फिश कैच बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर्स आर अ पार्ट ऑफ द जीडीपी ऑफ। तो जो हमारे भारतीय के मछुआरे हैं वो जो इंटरनेशनल वाटर से मछली पकड़ते हैं वो किसकी जीडीपी का पार्ट है? ऑप्शंस देखें, श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, इंडियन फिशरमैन जो हैं जो भी मछली पकड़ेंगे वो किसका जीडीपी का पार्ट होगा? सही आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? सही आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन सी। ऑलराइट, सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इंडिया। नेक्स्ट देखें, व्हाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड। नेशनल इनकम एस्टिमेट निकालने के लिए इनमें से किसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जर्व करने के लिए? ऑप्शन देखें, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू बी एडेड एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू बी सब्सट्रैक्टेड। दूसरा देखें, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू बी सब्सट्रैक्टेड एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू बी एडेड। द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स टू बी एडेड। द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स टू बी सब्सट्रैक्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों बताएं? यहाँ पर अगर हम देखें तो सही ऑप्शन हमारा डी नहीं है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, लेकिन सही ऑप्शन क्या है? ए, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू बी एडेड एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स टू बी सब्सट्रैक्टेड, ए। ऑलराइट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का इसमें से क्या एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शन देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहां से देखें, फिस्कल पॉलिसी का क्या एक फीचर नहीं है, क्या एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? फुल एम्प्लॉयमेंट इसका फीचर है, प्राइस स्टेबिलिटी है, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, लेकिन हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम ये इसका एक फीचर नहीं है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी।
नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का इनमें से क्या चीज एक क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर नहीं है? ऑप्शन देखिए, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो या फिर मॉरल सॉशन। ऑप्शंस है ए, बी, सी या डी। सही आंसर इसमें से बताएं क्या हो जाएगा, विच इज नॉट बताना है, नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट। तो जो इनमें से क्वांटिटेटिव क्रेडिट नहीं है, दैट इज मॉरल सॉशन। ऑल राइट, ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम एनएनपी टू अराइव एट एनआई। ठीक है, इनमें से क्या चीज एनपी एनएनपी में से डिडक्ट किया कर दिया जाता है? ऑप्शन देखें, इनडायरेक्ट टैक्स, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, सब्सिडी या इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं, एनपीपी में से क्या चीज डिडक्ट कर दी जाती है? तो यहां पर अगर आप सोच रहे हैं सब्सिडी, तो ये गलत आंसर है। इंटरेस्ट भी आपका गलत आंसर है। ठीक है, कैपिटल कंजम्पशन भी गलत है। सही ऑप्शन है हमारा ए। ऑलराइट, सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देखें, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल जो इंडिया में है, पहला टेक्सटाइल, दूसरा स्टील, तीसरा टूरिज्म, चौथा स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री। तो यहां से बताइए सही आंसर क्या होगा। 9th का सही आंसर बताएं, ऑप्शन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बतानी है। तो यहां आपका स्पोर्ट्स एंड गुड्स आंसर नहीं है। ठीक है, फिर आपका टेक्सटाइल नहीं है, टूरिज्म नहीं है, स्टील आंसर सही है। स्टील इंडस्ट्री जो है एक इंटेंसिव इंडस्ट्री है इंडिया में। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन बी करेक्टेड थ्रू। तो किससे करेक्ट? पहला है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, विगरस एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहां पर देखें, जो इंडिया की बैलेंस है पेमेंट्स का, वो किससे करेक्ट हो सकता है? पहली बात तो डिवैल्यूएशन से हो सकता है, विगरस एक्सपोर्ट से भी हो सकता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। तो मतलब ये सब चीजों से हो सकता है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल राइट, सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ। टैक्सेशन आपका किस चीज का टूल है? ऑप्शन देखें, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी या वेज पॉलिसी। यहां पर बताएं सही ऑप्शन क्या होगा। टैक्सेशन किसका टूल है? टैक्सेशन अगर आप सोच रहे हैं वेज है, तो ये गलत होगा। मॉनेटरी का भी नहीं है, प्राइस का भी नहीं है। सही ऑप्शन है हमारा बी, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी। ऑलराइट, ये हमारा टूल है किसका? फिस्कल पॉलिसी का। नेक्स्ट देखें, हु एडवोकेटेड एडॉप्शन ऑफ पूरा मॉडल टू इराडिकेट रूरल पॉवर्टी। तो पूरा मॉडल का अडॉप्शन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम या ऑप्शन डी, ए एम खुसरो। तो सही आंसर बताएं यहां पर क्या होगा। पूरा मॉडल किसने सेलेक्ट किया था ताकि रूरल पॉवर्टी को इराडिकेट किया जा सके? रूरल मतलब गांव में जो हमारी गरीबी है उसको हटाने के लिए। तो यहां पर जो सही आंसर है, दैट इज डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल ने इस मॉडल को अडॉप्ट किया था। तो सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखें, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंडिया में, वो कौन फॉर्मुलेट करता है? ऑप्शंस देखें, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, एसईबीआई या सीएलबी। ठीक है, यहां से देखें, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो भी मोनेटाइजेशन से रिलेटेड हमारी पॉलिसीज होती है, वो मेनली कौन फॉर्मुलेट करते हैं? तो वो करते हैं हमारे, अगर आप सोच रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो आंसर गलत होगा। सीएलबी आंसर गलत होगा, सेबी आंसर गलत होगा। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, दैट इज आरबीआई। ठीक है, आरबीआई हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। इंडिया में नेशनल इनकम का लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट क्या है? पहला सर्विस सेक्टर, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, चौथा ट्रेड सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं यहाँ पर, लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। आपको पता है इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, भारत हमारा इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर, दैट इज ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। 15th क्वेश्चन देखिए, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया,
इन विच सेक्टर अ हाई रेट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में है, इंडिया अगर डेवलपिंग कंट्री है तो वहां पर किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है। ऑप्शंस देखें, यहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में या एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर यहाँ पर दोस्तों है सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द डिमांड ऑफ एन इंफीरियर गुड फॉल्स देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कोई इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाती है तो इनकम जो है हमारे कंज्यूमर की उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन सेम या कैन बी एनी ऑफ द अबव। ऑलराइट, तो यहां से अगर आप देखें तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारा ए, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, इनकम हमारी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट देखें, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन, इकोनॉमी जो है हमारी इक्विलिब्रियम में कब आती है, व्हेन प्लान्ड कंजम्पशन एक्सीड्स प्लान्ड सेविंग, प्लानिंग कंजम्पशन एक्सीड्स प्लान्ड से इन्वेस्टमेंट, इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स इंटेंडेड सेविंग्स, इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स इंटेंडेड सेविंग्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ध्यान से बताइए, इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और कंजम्पशन से काफी रिलेशंस दिए हुए हैं, तो यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट इक्वल्स इंटेंडेड सेविंग्स, ठीक है, ये हो गया मेरा यहां पर सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक रेंट रेफर्स टू, इकोनॉमिक रेंट क्या रेफर, किसको रेफर करता है, ऑप्शंस देखें, पेमेंट मेड फॉर द यूजर ऑफ लेबर, यूज ऑफ लेबर, पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल, पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा, इकोनॉमिक रेंट, इकोनॉमिक रेंट आपका मेनली रेफर करता है पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट दो प्रॉब्लम देखिए यहां पर, क्या लिखा है, इन इक्विलिब्रियम अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म विल इक्वेट मार्जिनल सोशल कॉस्ट विद मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्केट सप्लाई विद मार्केट डिमांड, मार्जिनल प्रॉफिट विद मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू विद मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताएं, यहां पर आपका जो सही आंसर होगा, अगर आप ए सोच रहे हैं तो गलत है आप, सी गलत है, बी गलत है, सही ऑप्शन क्या है, डी, मार्जिनल रेवेन्यू विद मार्जिनल कॉस्ट, ये होता है आपका क्या, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का एक फीचर कब, इक्विलिब्रियम के अंदर। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन देखें हमारे इस लेसन का आज का, और इकोनॉमिक्स हमारा 10 तारीख को खत्म हो जाएगा, 10 के साथ हमारा पूरा जीए सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और करंट अफेयर्स हम लोग डेली बेसिस पे लाते रहेंगे, संडे संडे जैसा कि हम लोगों ने बोला है 50 करंट अफेयर्स। ऑलराइट, छठवां देखिए, द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन डिक्टेटिंग, ठीक है, तो यहां पर सही क्या है, अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड स्टॉक ऑफ कमोडिटी, अ कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड स्टॉक ऑफ कमोडिटी, अ प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड स्टॉक ऑफ कमोडिटी, एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द स्टॉक ऑफ, वन सेकेंड, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही बताएं यहां पर, ऑप्शन सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ऑलराइट, तो यहां सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन यहीं पर फिनिश होता है, और आई होप कि आप लोग हमें डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे होंगे, तो इसी तरीके से फॉलो करते रहिए, और जितना भी सिलेबस है हम लोग पूरा कवर करेंगे, CBT 1 का और CBT 2 मैकेनिकल के लिए पूरा कवर किया जाएगा हमारे चैनल पर, तो बने रहिएगा हमारे साथ और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।